हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर पेट्स व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों मैं बहुत ही बढ़िया हूं। दोस्तों मुझे लगता है कि मेरे जो चूहे के बच्चे हैं ना, उन बच्चों का आंखें खुल गए हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चे बाहर आ जाते हैं ना माँ के साथ, तो बच्चे ऑटोमेटिकली फिर से नेस्ट पे चले जाते हैं। तो मुझे डाउट हुआ कि इन बच्चे का आंखें खुल गए हैं। तो पहले क्या होता था, जब बच्चे बाहर आता था ना, तो माँ क्या करती थी, बच्चे को मुंह में लेकर फिर से नेस्ट पर रखती थी। बट अभी रखना नहीं पड़ता है, जस्ट बच्चे ऑटोमेटिकली नेस्ट पर चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन बच्चों का आंखें खुला है या नहीं। दोस्तों आप सभी को पता है ये काफ़ी एग्रेसिव है, एंड ये सोचती है कि इन बच्चों को मैं अटैक करने के लिए आ रहा हूँ, इसलिए ये काटती है। तो चलिए देखते हैं कि बच्चे की आंखें खुली है या नहीं। जैसे ही मैं यहाँ पर टच करूँगा तो ये आ जाएगी, ये देखिए आ गई। तो चलिए देखते हैं। अरे रुको 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 रुको, देखिए देखिए, ये देखिए दोस्तों, बच्चे बाहर आ गए हैं, ये देखिए। अरे अरे क्या बात, आंखें खुला है या नहीं यार। लगता तो है कि बच्चे की आंखें खुल गया है। और गाइस ये देखिए, बच्चे का जो पूंछ है ना दोस्तों, लंबा लंबा हो गए हैं, क्या बात है। एक्चुअली मुझे सब कुछ धीरे धीरे करना होगा, नहीं तो ये फीमर मुझे कट सकती है। और गाइस जो बच्चे हैं ना, ये देखिए बड़े बड़े हो गए हैं और आंखें खुला ही है नहीं, टच भी नहीं कर सकता हूँ, प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या बात है, बहुत ही क्यूट लग रहा है दोस्तों। देखिए आप लोग, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। और दोस्तों जो बच्चे हैं ना, वो काफ़ी हेल्दी है, सभी का ग्रोथ ठीक ठाक है। जस्ट ये बच्चा थोड़ा छोटा है, सभी बच्चों का आंखें नहीं खुला है। जस्ट ये जो बच्चा है ना, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये तो कॉर्नर पर चला गया। ये देखिए देखिए, मैं अभी अभी देखा, इस बच्चे का जो आँखें है ना गाइस, इस बच्चे का आँखें जो है ना वो खुल गए हैं। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, तो जहाँ था वहाँ पर मैं रख दिया। ये देखिए बच्चे दूध पी रही है, ये देखिए सभी बच्चे दूध पीना शुरू किया है। दोस्तों चलिए किंगफिशर के बच्चों को छोड़ देते हैं, जिन काफ़ी आवाज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको छोड़ना पड़ेगा। अरे यार, ये देखिए यहाँ पर बैठ गया। दोस्तों अभी तो इन फिश को फीड देने का समय हो गया है। ये देखिए फिश का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है। देखिए आप लोग, और देखिए सभी फिश फीड खाने के लिए आ गए हैं, ये देखिए खा रहे हैं। Few moments later. Actually तो आज इतना गर्मी नहीं है, बट देखिए कितना गंदा हो गया है हमारा गाय। तो अभी इनको नहलाना होगा, ठीक है। तो चलिए इनको नहलाते हैं, तो थोड़ा समय लगेगा। सबसे पहले जो गाय है ना, इनको भिगोना पड़ता है, एंड भिगोने के बाद जो ये गोबर है ना, ये नरम हो जाता है, एंड हम उसके बाद क्लीन करते हैं। तो सभी को नहलाना होगा। दोस्तों ये जो गाय है ना, ये एक्चुअली आज 9 महीना 3 दिन हुआ है, तो और 5-6 दिन के बाद ये बच्चे देगी। तो चलिए नहलाते हैं। एक्चुअली तो मुझे पता ही नहीं था कि आप लोग ब्लॉग में गाय देखना पसंद करते हैं, तो आप लोगों में से बहुत से लोग पसंद किया है। मैं रोज ब्लॉग में ये गाय दिखाऊंगा। Thank you.
यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरा जो कबूतर है ना और इस रूम के अंदर आ चुका है। चार आया था, दो भाग गया और दो यहाँ पर है। ये देखिए बजिश का जो फूड है वो खा रहे हैं। दोस्तों सच कहो तो आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आप सभी को पता है मैं बटर के अंडे को मुर्गियों को दिया था हैचिंग के लिए, तो फाइनली दोस्तों चूजा निकला है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, टोटल यहाँ पर 9 बच्चे हैं, बट ये ना काफ़ी वीक है, पैरालाइज्ड हो गया है। ये देखिए पैरालाइज्ड हो चुका है और बाकी सब ठीक है। ये सब कुछ वाइट कलर के हैं, एक दो तीन चार हुआ था, और यहाँ पर डिफरेंट कलर के 5 बच्चे हैं। देखिए आप लोग, तो इनको यहाँ से हटाना होगा और अलग सा सेटअप बनाना होगा इन लोगों के लिए। देखिए कितने क्यूट क्यूट बच्चे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे। तो ये बच्चा भी यहाँ पर रहना पसंद नहीं कर रहे, देखिए आप लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी का अभी मुझे एक्चुअली मार्केट जाना होगा। देखिए कितना क्यूट क्यूट बच्चे हैं, तो इन बच्चे के लिए फीड लाना है। इन बच्चों को एक्चुअली जो स्टार्टर फीड है ना वो खिलाना होगा। तो इन बच्चों को मैं इस रूम के अंदर रखूँगा, ठीक है। यहाँ पर एक 100 वाट का बल्ब भी लगाना होगा ताकि इन लोगों को ठंड ना लगे, एंड यहाँ पर रखने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर जो खरगोश के बच्चे हैं ना, इन बच्चों को मैं एक्चुअली यहाँ पर रखता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इन बच्चों को ना जो ORS है वो पिलाना होगा, मतलब पानी के साथ मिला के पिलाना होगा, उसके बाद ही हम फीड खिला पाएंगे। ये देखिए एक तो उतर गया यार, कितना क्यूट लग रहे हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। अरे ये खाना शुरू किया है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, क्या कितना क्यूट लग रहे हैं। देखिए दोस्तों चले गए इन बच्चे को ना यहाँ पर छोड़ देते हैं। कितना क्यूट क्यूट बच्चे है, देखिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं और बहुत ही छोटे छोटे हैं। और दोस्तों पता नहीं इसका क्या होगा, ये तो काफ़ी वीक है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, ये चल नहीं सकता है, यहाँ पर ही रखता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों उन बच्चे के लिए मैं पानी रेडी किया, और दोस्तों यहाँ पर ना थोड़ा स्टोन देना होगा। यहाँ पर थोड़ा मैं स्टोन डाल देता हूँ, नहीं तो ये लोग क्या करेगा, यहाँ पर डूब लगाएगा, नहाएगा। सो ये स्टोन देने से वो नहीं कर पाएगा। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर मैं थोड़ा डाल दिया, ये रेडी हो गए हैं। तो चलिए उन बच्चे को पीने के लिए देते हैं। ये देखिए दोस्तों ये बच्चे ना पीना शुरू किया है, देखिए आप लोग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और इसी के साथ जुड़े रहे। खुदा हाफिज।